देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मैं हूं आपके साथ आरती विश्वकर्मा। आइए करते हैं रुख खास खबरों की ओर। एसपी लोकायुक्त ने रतलाम आकर की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की सुनवाई। मंगलवार को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान ने रतलाम आकर शिकायती आवेदन प्राप्त किए। जानकारी के अनुसार एसपी लोकायुक्त ने दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सर्किट हाउस रतलाम के कक्ष क्रमांक 2 में कैंप लगाकर आम नागरिकों से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सुनी और आवेदन लिए। सर्किट हाउस पर शिविर के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एसपी लोकायुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि शिविर में उन्हें 20 शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत करने वालों में बुजुर्ग, महिला, छात्र सभी शामिल थे। एसपी लोकायुक्त ने बताया कि जो लोग किसी कारणवश संभागीय कार्यालय पर आकर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये शिविर लगाया गया था जिससे वे अपनी समस्या शिकायत सुना सकें। एसपी लोकायुक्त ने बताया कि कुल मिले आवेदनों में कई विभागों से संबंधित शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है। अब लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र में आने वाली शिकायतों को देखकर उनकी जांच की जाएगी। लोकायुक्त एसपी द्वारा लगाए गए शिविर में सर्किट हाउस पर काफ़ी हलचल देखी गई। आम जनता के साथ ही शिकायती आवेदन लेकर पहुंचने वाले लोगों में कुछ नामी चेहरे भी थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकायुक्त पुलिस को की गई शिकायतों में व्यक्तिगत के साथ ही सार्वजनिक हित से जुड़ी और शासन को राजस्व हानि पहुंचाने वाले मामलों की शिकायतें भी शामिल थीं। सूत्रों के अनुसार लोकायुक्त पुलिस द्वारा लगाए गए शिविर में पटरी पार क्षेत्र के जमीन से जुड़े चर्चित मामलों की शिकायत भी की गई है। राशि को टुकड़े टुकड़ों में लगाकर सारी राशि को हड़प लिया गया और कुछ भी तत्कालीन और अध्यक्ष कौन रहे थे उस समय? उस टाइम पे जीवन राय माथुर जगदीश पाटीदार अध्यक्ष थे। उस टाइम पे सारा पैसा निकल गया और एक जल संरक्षण योजना में 25 लाख की किस्त आई थी, बाकी वो राना थे तो 2015 में आई थी, वो अभी तक नहीं लगाया उन्होंने और सारी राशि निकाल दी। पूरे बैंक स्टेटमेंट वगैरह मैंने सूचना का अधिकार लिया, उसमें सारी जांच पड़ताल करी तो उसमें पाया गया कि सारी राशि निकाली गई। और नामली नगर परिषद के जो अभी प्रभारी सीओ मुझे वर्तमान में धामनोद में पदस्थ हैं केशव सिंह सगर द्वारा, नगर परिषद नामली में जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से थी, एक फायर लारी, वैक्यूम मशीन, पानी के टैंकर, प्लास्टिक के चली शौचालय, एलईडी लाइट और धामनोद में हाई मास्क जिसका शासन प्रशासन भी परमिशन नहीं देता है, ऐसी कई वस्तुएं प्रशासक राज होने के कारण उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है तो उनके द्वारा खरीदी की गई। और जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो बोले मेरा राज है, जबकि नामली नगर में मेरे वार्ड में गंदे पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सड़कें पूरे नामली की खुदी पड़ी हैं, इत्यादि कई सारी समस्याएं, लोग वहाँ काम के लिए भटकते रहते हैं, पर सीएमओ साहब को अपने चैम्बर से और इस खरीदी से फुर्सत मिले तो नामली की जनता का हाल जाने। ये जो खरीदी कितनी शिकायत है? पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन की तरफ से आज हमने यहाँ पर एक कैंप लगाया था। कैंप का मकसद जो दूरस्थ इलाके हैं, संभाग से दूर हैं, जहाँ पर कई व्यक्ति जो अपनी मजदूरी, दिन का काम छोड़कर या व्यवसाय छोड़कर या चल फिरने में परेशान जो व्यक्ति फिजिकली नहीं आ सकते, उन लोगों को अपनी समस्या है तो उनको वहीं पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी जा सके। और जो लोकायुक्त के हमारे जो एक्ट के हिसाब से जिन पर हम लोग कार्रवाई कर सकें उन शिकायतों को हम लोग आगे लेंगे। करीब 20 लोग आकर हमसे मिले, इसमें महिलाएँ, पुरुष, बुजुर्ग, छात्र सभी तरह के लोग शामिल थे। सभी तरह की शिकायतें इन्होंने दी थी और ये उनको इसका ठीक इसलिए लगा कि जैसे विकलांग महिला आई जो गांव से उज्जैन जाना बहुत दूर पड़ता, तो ये चीज़ें काफ़ी जिसके मकसद से हम लोगों ने किया तो काफ़ी हम लोगों को लगता है कि मकसद सफल रहा है इसका। कोई पर्टिकुलर मामला था सर? ये उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पूर्व जीवीएल की भूमि की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसमें जो है तत्कालीन जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं उनके द्वारा बोली में भाग, जैसे बोली में अगर मैंने भाग लिया है और मैंने पैसे जमा कराए तो नीलामी समाप्त होने पर जो है रजिस्ट्री मेरे नाम होना चाहिए। और इसमें ऐसा न होते हुए जिस व्यक्ति के नाम बोली स्वीकृत हुई है उसको रजिस्ट्री न कराते हुए इनके द्वारा दूसरे और तीसरे पक्ष को रजिस्ट्री की गई और इस प्रकार से सरकार को राजस्व की करोड़ों रुपये की हानि पहुँचाई। इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को पूर्व में शिकायत की गई थी जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव कलेक्टर रतलाम को दी गई, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने लोकायुक्त महोदय एसपी साहब जो आज रतलाम आए, कैंप रतलाम है, उनको मैंने शिकायत प्रस्तुत की है। उनके द्वारा कहा, बताया गया, आश्वासन दिया गया कि मामले को दिखवा जाएगा और संबंधित से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा और आपसे भी रिकॉर्ड लिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर।
सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।